हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। चलो तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं अपने 11th जून के करंट अफेयर्स। तो वेलकम टू ambitiousbaba.com। मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति और स्टार्ट करें सेशन को। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, नमस्ते। ओके चलो, तो सबसे पहले कल का होमवर्क देख लिया जाए। ओके, कल का होमवर्क में मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे। मेरा पहला सवाल आपसे क्या था? मेरा पहला सवाल आपसे था कि विच स्टेट हैज लॉन्च पिंक बूथ फॉर कोविड वैक्सीनेशन, यानी पिंक बूथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो ये विमेन के लिए लॉन्च किया गया है बाय यूपी गवर्नमेंट, यानी योगी सरकार, ठीक है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था, विच हॉस्पिटल हैज बिगन स्क्रीनिंग चिल्ड्रन एज 12 टू 18 ईयर फॉर कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल, यानी कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अभी किस हॉस्पिटल ने 12 से 18 साल के बच्चों का बेसिकली ट्रायल स्टार्ट किया है, और ये है एम्स दिल्ली। राधे राधे उत्तम, हेलो देवांशी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आंसर आया था गुरु का, फिर सुपर्णा का, फिर युक्ति का, फिर राजा का और फिर आकाश का। तो ये है हमारे आज के 5 सुपरस्टार्स, ठीक है। चलिए पहली खबर को आज की देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है, रिसेंटली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 हैज बीन इंडक्टेड इन विच आर्म्ड फोर्स। तो अभी हाल ही में किस सशस्त्र बल में ALH MK3 जो है इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको नाम क्या याद रखना है, ALH MK3, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की। तो भैया हेलीकॉप्टर कहाँ जाएगा? हेलीकॉप्टर जाएगा इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। अच्छा जी, कहाँ किया गया है गाइस? ओके, इसे जरा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ इंडियन नेवी सही जवाब होगा, ठीक है। इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया है। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर सुनकर आंसर एयरफोर्स नहीं कर दीजिएगा। इसको जो विशाखापट्टनम यूनिट है ना, ठीक है, इसको जो विशाखापट्टनम है INS डेगा, यहाँ इंडक्ट किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी ने 3 इंडिजीनियसली बिल्ड को कहाँ इंडक्ट किया है? INS डेगा में। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है HAL ने, ठीक है। विशाखापट्टनम में इसको इंडक्ट किया गया है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो याद रखना है, इंडियन नेवी 3 हेलीकॉप्टर कहाँ किया गया है? INS डेगा। अब अगर हम बात करें कि HAL के द्वारा इसको बनाया गया है, तो HAL के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। HAL 1940 में इस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। 1940 में HAL को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से बनाया गया था। बाद में 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पड़ा। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय बैंगलोर में है। इसके फाउंडर का नाम है वालचंद हीराचंद, और अभी इसके चेयरमैन है आर माधवन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हाँ शुभम, कोई बात नहीं, चलो क्लियर है। ये HAL के बारे में आपके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेवी से रिलेटेड 2 अपॉइंटमेंट हुई है, जिसको अभी हम आगे कवर करेंगे, मैं आपको वो यहां नहीं बता रही। अगला सवाल देखिए, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर हैज बीन सेटअप एट गिफ्ट सिटी, यानी भारत का पहला समुद्री क्लस्टर जो है वो गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। ये गिफ्ट सिटी कहाँ है आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी कहाँ है? अब भैया गिफ्ट सिटी कहाँ होगी? गुजरात में तो होगी। तो गुजरात में, अब देखिए पूरी न्यूज़ देख लीजिए, क्या है पूरी न्यूज़, आ जाइए।
गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB विल सेट अप कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी, यानी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड भारत का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर कहाँ बना रहा है? गिफ्ट सिटी, यानी गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो क्लस्टर होगा ना, ये पोर्ट्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं ना, उनके ऑपरेशंस को देखेगा। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात से पहले मैं आपको गिफ्ट सिटी के बारे में बता देती हूँ। गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर बेस्ड है, यानी कि गांधीनगर गुजरात की राजधानी। गुड मॉर्निंग आरोही, हेलो। चलो, गुजरात का अगर मैप देखा जाए तो देखिए, गुजरात राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कलर ग्रीन हो गया। ओके, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश दमन एंड दीव दादर नगर हवेली अरेबियन सी और इसके अलावा पाकिस्तान, इन सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब हम अगर गुजरात के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लें। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है GDP के अकॉर्डिंग। गुजरात कब बना था? आपको पता होगा, गुजरात जो राज्य है ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद पहला राज्य बना था, फर्स्ट में 1960 में, जब बॉम्बे से गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे। टोटल यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर साहब हैं यहाँ आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर साहब हैं विजय रूपाणी। ठीक है, गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है एब्सोल्यूटली इंडिया में। अब अगर हम लेटेस्ट, अब देखिए, हमने बात की गिफ्ट सिटी को लेकर, तो आपको पता है गिफ्ट सिटी में है इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA। अब IFSCA को लेकर रिसेंटली दो कमेटी बनी है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों के लिए कमेटी बनाई गई। तो सबसे पहले वेरिएबल कैपिटल कंपनी को लेकर जो कमिटी बनाई गई थी IFSCA के लिए, उसके हेड बनाए गए थे KP कृष्णन साहब। ठीक है, कौन? KP कृष्णन साहब। ये कमिटी याद रखिएगा, ये बनी थी वेरिएबल कैपिटल को कंपनी को लेकर। ठीक है, एक और कमिटी बनी थी और वो बनी थी इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फंड वाली कमिटी के हेड बनाए गए थे नीलेश शाह। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब अगर मैं आपसे IFSCA के हेड पूछूं, जो मैं आपको आए दिन रिवाइज कराती रहती हूं, इसके हेड हैं इंजेती श्रीनिवासन। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर है गाइज? कोई डाउट? मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रिवाइज कराई है, आई होप आपको वो क्लियर हो गया, आपको गुजरात क्लियर हो गया और आपको आज की न्यूज भी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं एक रीअपॉइंटमेंट पे। देखिए, अपॉइंटमेंट आजकल काफ़ी सारी हो रही हैं, तो वापस से नियुक्त किए जाने की एक न्यूज़ है। और हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज दी चेयरमैन ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारत जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में वापस से किसको अपॉइंट किया गया है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए, इनके नाम से आने से पहले यहां जो बाकी नाम है ना, उनसे परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले राजेश पिंडारकर आपको याद होगा, अभी इनको DG बनाया गया है नेवल ऑपरेशन का। क्या बनाया गया है? नेवल ऑपरेशन का DG। रवनीत सिंह, मैंने आपको बोला था ना, नेवी में अभी दो अपॉइंटमेंट हुई है। रवनीत सिंह को डेप्यूटी चीफ बनाया गया है, किसका? नेवल स्टाफ का। ठीक है, प्रदीप चंदन नायर आपको याद होंगे, ये असम राइफल के DG बनाए गए हैं। KP कृष्णन, मैंने अभी आपको इनकी कमेटी बता दी, अभी रिवाइज कराया। और MR कुमार जो हैं, यही हैं LIC के चेयरमैन, और इनको वापस से अपॉइंट कर लिया गया है।
क्या मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? राजेश पिंडारकर डीजी नेवल ऑपरेशन, रवनीत सिंह डेप्टी चीफ नेवल स्टाफ, प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल डीजी, एमआर कुमार एलआईसी के चेयरमैन और केपी कृष्णन जो है ये कमेटी से रिलेटेड हैं, अदरवाइज ये श्रीराम कैपिटल से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको पता है एलआईसी के आईपीओ को लेकर बातें चल रही हैं। ठीक है, अब एलआईसी के आईपीओ को लेकर बात चल रही है और भैया जो चेयरमैन है जिन्होंने आईपीओ के लिए बोला, जिन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए बोल रखा है, उन वही चले जाएंगे तो आईपीओ कैसे होगा? तो याद रखिएगा, इनका अपॉइंटमेंट, इनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जून 30th 2021 को इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, बट अभी के लिए ये बढ़ा दिए गए हैं। ठीक, अच्छा, एलआईसी के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिवाइज की जाए तो आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले एक इंश्योरेंस से रिलेटेड रिपोर्ट आई थी, उसमें एलआईसी को मोस्ट वैल्यूबल यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कंपनी में एलआईसी किस पोजीशन पर थी? 10वें पर। और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी थी 3रे पोजीशन पर। याद है ना, याद है नहीं याद है? ठीक है, अब आपका यहां काम है दोनों कैटेगरी में फर्स्ट पर कौन सी कंपनी थी वो आप रिवाइज करेंगे। तो याद रखिएगा, वैल्यूबल इंश्योरेंस ब्रांड में एलआईसी 10th पर है और स्ट्रॉन्गेस्ट में 3rd पर है। चलो एलआईसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एलआईसी जो है ये 1st September 1956 को इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें 3 MD हैं, विपिन आनंद, सिद्धार्थ मोहंती और राजकुमार, जिसमें से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में है सिद्धार्थ मोहंती साहब। जो हमारे देश की पहली एलआईसी कंपनी है वो है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई थी 1818 में। ठीक है, उसके बाद 1907 में एक कंपनी इस्टैब्लिश हुई थी, हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी, जिसको सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टैब्लिश किया गया था। ये कंपनी रविंद्रनाथ टैगोर के घर में इस्टैब्लिश की गई थी और ये इस्टैब्लिश हुई थी 1907 में, और बाद में यही बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के मर्जर के साथ एलआईसी बनी थी। ठीक है, क्या मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी वो क्लियर हो गई? तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, तो ये है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818 में बनी थी। ठीक है, बट वो जो कंपनी बनी थी उनका जो मेन फोकस था वो था यूरोपियन, भारतीयों से तो वो इतना ज़्यादा प्रीमियम लेते थे कि भारतीय एलआईसी लेते ही नहीं थे। चलो अगला सवाल देखते हैं, एक और रीअपॉइंटमेंट हुई है। Who has been reappointed as Bandhan Bank MD and CEO for 3 years? यानी 3 साल के लिए LIC की tagline क्या है? कौन बताएगा मुझे LIC की tagline? ठीक है, 3 साल के लिए Bandhan Bank के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बताओ जरा, आप मुझे इनका नाम बताइए, तब तक मैं आपको जो बाकी लोग हैं ना उनसे थोड़ा परिचय करा देती हूँ। ठीक है, तो बाकी लोग कौन कौन है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां है विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन कौन है? अभी इनको DMCRC यहां अपॉइंट किया गया है जी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एब्सोल्युटली। ठीक है, एलआईसी की टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक, चलो विक्रमजीत सेन कौन है? ये है DMCRC यानी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अभी हेड अपॉइंट किए गए हैं। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, ये कौन है? कौन है? अभी बताया था CBDT के नए चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हितेंद्र दवे कौन है? ये HSBC इंडिया के हेड बनाए गए हैं, CEO बनाए गए हैं। और नितिन राकेश आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष ये बंधन बैंक के क्या है? ये बंधन बैंक के MD और CEO हैं। वापस से देखिए, विक्रमजीत सेन को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने DMCRC का हेड बनाया है।
जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, ये हेड हैं सीबीडीटी के। चंद्रशेखर घोष, ये बंधन बैंक के एमडी सीईओ हैं। हितेंद्र दवे, ये एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बनाए गए हैं। और नितिन राकेश आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। डन 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 डन। चलो, डीएमसीआरसी नहीं, डीएमसीआरसी ये डिजिटल मीडिया, देखिए डीएमसीआरसी का मैं आपको फुल फॉर्म एक बार छोटे से बता देती हूँ, ये है डिजिटल मीडिया, ठीक है, कंटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। आपको पता है आज के टाइम में OTT, नेटफ्लिक्स, यू बेसिकली नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं ना, तो इनके कंट्रोल के लिए DMCRC बनाई गई है। निधि, एब्सोल्यूटली बिल्कुल ठीक है। विक्रमजीत सिंह नहीं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने इनको बनाया है अभी रिसेंटली, ठीक है। ओके, जो डीएमसीआरसी है ना वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के अंडर आती है। ओके, क्लियर। हाँ, ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, अगर आपको आप भूल गए हैं तो याद रखिए, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है डीएमसीआरसी, और उसके हेड बनाए गए हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन, ठीक है। चलो, अब बंधन बैंक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बंधन बैंक 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, चेयरमैन है इसके अनूप कुमार सिन्हा, और टैगलाइन है इसका आपका भला सबकी भलाई। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यहाँ कोई डाउट है क्या? अगर गाइस कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, एंड में मुझसे परेशान मत होइएगा। अभी विश्ववीर आहूजा साहब भी आपको मिलेंगे, परेशान मत हो। नेम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्टी गवर्नर हु हैज रिसेंटली गॉट 2 ईयर एक्सटेंशन, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्टी गवर्नर का नाम, जिनको अभी हाल ही में 2 साल का क्या मिला है, जिनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, क्या नाम है इनका, बताइए फटाफट। अब क्योंकि ये RBI के क्या है, ये RBI के डेप्टी गवर्नर है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, सबसे पहले यहां देख लेते हैं विनीत अग्रवाल साहब कौन है, ठीक है। विनीत अग्रवाल साहब, अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली इनको एसोचैम का हेड बनाया गया है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड बनाया गया है। शशि शेखर वेम्पति कौन है, शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती के हेड हैं, प्रसार भारती के सीईओ हैं, और अभी इनको VP बनाया गया है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट का। विश्ववीर आहूजा साहब कौन है, ये RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड के हेड हैं और इनको एक्सटेंशन मिली है। और शशिधर जगदीशन कौन है, ये HDFC बैंक के। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है महेश कुमार जैन, MK जैन। MK जैन ऑलरेडी RBI के डेप्टी गवर्नर थे, इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, ठीक है। वापस से देखिए, विनीत अग्रवाल साहब एसोचैम हेड, शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती सीईओ, और अभी इनको एशिया ब्रॉडकास्टिंग जो है उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। महेश कुमार जैन, ये RBI के डेप्टी गवर्नर हैं, ये RBI के क्या है, उप गवर्नर। विश्ववीर आहूजा RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड के हेड, शशिधर जगदीशन HDFC। क्या मेरी बात क्लियर हो गई गाइस, फटाफट सब सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को डेफिनेटली बता दिया करें, क्लास में पहुंच जाएं। अब यहां आपको मैं अगर डिटेल बताऊं तो देखिए, अगर हम बात करें RBI के बारे में, RBI के गवर्नर साहब कौन है, शक्तिकांता दास, 4 डेप्टी गवर्नर हैं यहां, महेश कुमार जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव, और एक रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है T रविशंकर की। तो T रविशंकर जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो T रविशंकर जरा याद रखिएगा दिमाग में बैठा कर। चलो,
आ जाओ, कुछ रिवीजन देख लेते हैं। मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं, चलो फटाफट तीनों सवाल का जवाब दो। आरबीआई वॉज इस्टैब्लिश इन विच ईयर, आरबीआई कब इस्टैब्लिश हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो आरबीआई की है, जो रेट वगैरह सेट करती है आरबीआई का, वो किसके अंडर यानी किसके चेयरमैनशिप में सेटअप हुई थी? और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में टोटल कितने मेंबर हैं? चल सबसे पहले आरबीआई कब इस्टैब्लिश हुआ था। देखिए आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 में आया था, बट आरबीआई सेटअप हुआ है 1935 फर्स्ट अप्रैल को। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आई थी 2016 में और उसके हेड थे कौन? उर्जित पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में जो टोटल मेंबर है वो है 21, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 2016 उर्जित पटेल के अंडर आई थी। चल अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 पब्लिश बाई EIU, यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से दुनिया में जो सबसे रहने वाले शहर हैं यानी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें किस शहर ने टॉप किया है? ठीक है, और इसमें टॉप किया है वो देश जहां मैं एक बार घूमने डेफिनेटली जाना चाहती हूं, और वो देश है ऑकलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड जो है उसने इस लिस्ट में टॉप किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑकलैंड जो है देखिए टॉप पर है ऑकलैंड। बॉटम में टॉप पर कौन है? बॉटम में टॉप पर है डमस्कस। डमस्कस कहां की कैपिटल है गाइस? डमस्कस कैपिटल है सीरिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड की कैपिटल नहीं है, एक शहर है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पर है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो फोर्थ पर है। इस लिस्ट को बहुत ज्यादा हद तक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ने डोमिनेट किया है टॉप 10 में। ठीक, क्या हो गया सुप्रीत? चलो यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा देखिए बॉटम में जो, देखिए हम ना तो हम टॉप में हैं ना हम बॉटम में, यानी ना ऊपर के टॉप 10 में हम हैं ना नीचे के टॉप 10 में हम हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो 20 शहर हैं वो बता दे रही हूं, बाकी आपको इतना ज्यादा कुछ यहां याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई मेरी? ठीक है, आइए अपना थोड़ा सा इंडेक्स को रिवाइज कर लेते हैं, कुछ लेटेस्ट इंडेक्स को रिवीजन करते हैं। सबसे पहले चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में इंडिया 49th पर है और टॉप पर है फिनलैंड। ठीक है, उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो क्वार्टर 2 में आया था उसमें इंडिया 84th पर था और जापान फर्स्ट पर। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया 140th पर था और टॉप पर था नॉर्वे। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, इसमें इंडिया था 49th पर और स्वीडन था फर्स्ट पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें इंडिया था 140th पर और आइसलैंड था फर्स्ट पर। इमैनुअल ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2 आए थे, एक आया था क्वार्टर 1 और एक आया था क्वार्टर 2। क्वार्टर 1 में हम 85th पर थे लेकिन क्वार्टर 2 में हम 84th पर थे, तो जो लेटेस्ट है ना वो दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई या नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, इसे जरा करेक्शन कर दीजिए, यहां 142nd होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये 142nd होगा, मैं PDF में इसका करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, प्रेस फ्रीडम में हम 142nd पर हैं। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल आरोही, यस ठीक है, मैंने ये करेक्ट कर दिया है, ये 142nd कर लीजिएगा, 140th नहीं है, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, ये 142nd है, डन है बात मेरी? चलो अब देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वापस से आई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जरा देख लेते हैं। Which Indian institute was at the top among the only 3 universities
हु मेड इट टॉप 200 फ्रॉम इंडिया इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला कि भारत की 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में जगह बनाई। इसमें टॉप पर कौन सा है? ठीक है, एब्सोल्युटली इसमें टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे। क्या टॉप पर है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की पोजीशन क्या है? 177। 2 पोजीशन नीचे गिर गया है आईआईटी। पिछले बार ये 175 पर था। ठीक, अच्छा अभी कौन कौन से टॉप में है वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि किसने टॉप किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया में टॉप पर है। ठीक है, बिजली मैं अभी आपको कवर कर, अभी रिवाइज कराऊंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, पहले मुझे ये आंसर दीजिए कि क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पर कौन है। वही 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो हमेशा टॉप पर होती हैं, और यहां टॉप पर है MIT। ठीक है, तो MIT ओवरऑल टॉप पर है। अब चलिए देख लेते हैं कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने टॉप में जगह बनाई है। सबसे पहले IIT बॉम्बे 177। ठीक है, उसके बाद आईएससी बैंगलोर 186 और आईआईटी दिल्ली 185। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 177 पर आईआईटी बॉम्बे, 185 पर आईआईटी दिल्ली और 186 पर आईएससी बैंगलोर। क्या ये बात क्लियर हो गई है? हुई बात मेरी क्लियर? टॉप पर MIT, सेकेंड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पर स्टैंडफोर्ड और कैम्ब्रिज। यही 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं जो हमेशा टॉप में रहती हैं और वही हैं। चल, यहां बात हो गई किसकी? इसकी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ IISc बैंगलोर इन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? तो अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, इसमें टॉप पर हमारे देश से कौन सी यूनिवर्सिटी है? IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर की पोजीशन क्या है बताओ जरा मुझे। ठीक है, इसमें जो टॉप पर है ना वो है IISc बैंगलोर, और IISc बैंगलोर की पोजीशन थी 37। 55th पर कौन सी थी? आई गेस IIT रोपर थी। MIT फ्रॉम विच कंट्री? US। शहर का ही नाम है MIT के नाम में। ठीक है, यहां 37th पर थी IISc बैंगलोर। कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेज। ठीक है, यहां चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर थी। ठीक, अगला सवाल, विच इज द टॉप कॉलेज इन CWUR 2021? सेंट्रल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया से टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ठीक है, CWUR 2021 में टॉप कौन सी थी? एब्सोल्युटली यहां टॉप पर था IIM अहमदाबाद। कौन सी थी? IIM अहमदाबाद। ठीक है, और तीसरा सवाल AW, ठीक है इसे करेक्ट, ओके, यहां AUWR जो था इसमें टॉप पर कौन सी कॉलेज था भारत से? ठीक है, 415 बिल्कुल सही है, 415वें पोजीशन पर थे हम। सेम क्वेश्चन नहीं, AUWR इसे कर लीजिए। ठीक है, CWUR की जगह इसको AUWR कर लीजिए। ठीक है, और AUWR जो था इसमें टॉप पर था IISc बैंगलोर। ठीक है, IISc बैंगलोर। वापस से देखिए, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप से है IIT बॉम्बे, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप पर है वो है IISc बैंगलोर 37, CWUR में टॉप पर है IIM अहमदाबाद और AUWR में टॉप पर है IISc बैंगलोर। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द पेन पिंटर प्राइज 2021? पेन पिंटर पुरस्कार 2021 इनमें से किसने जीता है? ये किस देश से आती है मुझे ये भी बताइएगा। ठीक है, राजा वहां जो रैंकिंग है ना, वो उस रैंकिंग में ये
500 टू 600 के बीच में है, एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं है, एक सेक्शन दिया गया है 501 से 600 के बीच में, ठीक है। इनका नाम है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है तिसिस्ती डंगरेंगबा, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, डंगरेंगबा याद रखिए। ये जिम्बाब्वे से आती हैं और इस बार का पेन पिंटर पुरस्कार इन्हीं को मिला है, ठीक है। तो बुकर शॉर्टलिस्टेड जिम्बाब्वियन राइटर हु वाज अरेस्टेड लास्ट ईयर इन हरारे व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द करप्शन वाज अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज, प्रेस्ड फॉर हर एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ इवन अमिड्स टाइम ऑफ अपहिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको पिछली बार, पिछले साल इनको अरेस्ट भी किया गया था, पिछले साल ये अरेस्ट हुई थी। लिटरेचर, ठीक है, देखिए ये जो पेन प्रिंटर प्राइज होता है ना, देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं ये काफी फेमस क्या है, ये राइटर हैं, ठीक है, ये काफी फेमस राइटर हैं और इनको जो अवार्ड मिला है ना, इनको अवार्ड मिला है किस चीज के लिए, इनके काम के लिए, ठीक है। ये अवार्ड जो है ये लिटरेसी फील्ड में दिया जाता है, ये अवार्ड लिटरेसी यानी कि लिटरेचर फील्ड, साहित्य की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। चल बात यहां क्लियर हो गई, आ जाइए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इनको किस काम के लिए ये शॉर्टलिस्ट हुई थी पिछले साल बुकर प्राइज में, तो मॉर्नेबल बॉडी, द मॉर्नेबल बॉडी ये इनका काम है, ये इनकी नॉवेल है जिसके लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई, और कोई डाउट? ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल एक एक्सरसाइज को लेकर है। एक्सरसाइज क्या है, देखिए एक्सरसाइज है हमारी 31st एडिशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स और कॉर्पेट एक्सरसाइज इन अंडमान सी, ठीक है। कल इसमें अलग से कोई प्राइज मनी डिस्क्राइब नहीं की होती, इसलिए मैंने आपको भी प्राइज मनी कैश अमाउंट अलग से नहीं बताया है। चलो सबसे पहले क्या सवाल है, 31st एडिशन किसका, कॉर्पेट एक्सरसाइज का, कहां हुआ, अंडमान सी में। क्या ये तीन पॉइंट क्लियर हो गया, क्या क्या पूछा जाएगा? देखिए वापस से सुनिए, आपसे एडिशन पूछा जा सकता है, आपसे एक्सरसाइज पूछी जा सकती है और आपसे जगह पूछी जा सकती है। 31st एडिशन, कॉर्पेट एक्सरसाइज, अंडमान सी, देश कौन सा है, देश है थाईलैंड, ठीक याद रहेगा। चलो तो इंडिया और थाईलैंड के बीच 31st एडिशन हुआ है कॉर्पेट का अंडमान सी में, ठीक। अब आपको पर्पस पता है कि मैरिटाइम में सेफ गार्ड के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जाती है। हम थाईलैंड के साथ एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मैत्री, ठीक है। हम मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी थाईलैंड के साथ करते हैं, याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ लेटेस्ट जो एक्सरसाइज इस साल हुई है ना, उनको रिवाइज करा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जोधपुर में हुई थी फ्रांस के साथ, ठीक है। खंजर एक्सरसाइज का 8th एडिशन हुआ था बिश्केक में किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। डस्टलिक सेकेंड हुई थी रानी खेत उत्तराखंड में उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। युद्ध अभ्यास का 16th एडिशन हुआ था बीकानेर राजस्थान में यूएस के साथ ही वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी हुई थी, इसका 11th एडिशन हुआ था बकलो हिमाचल प्रदेश में। क्या हो गया, सॉरी यार, हुई ओके। अब मैंने आई गेस ऑप्शन में कुछ गलत लिख दिया है क्या, ओके। अच्छा मैंने ऑप्शन यहाँ गलत लिख दिया है, ये ऑप्शन बी कर लीजिएगा, सॉरी। चलो अच्छा, वरुण एक्सरसाइज का 19th एडिशन हुआ है अरेबियन सी में फ्रांस के साथ,
ठीक है, और पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ने किया है तशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये कुछ पॉइंट एक्सरसाइज के आपको याद हो गए, ये रिवाइज कर लीजिएगा गाइस, टेक केयर। अच्छा, कुछ पैसेज एक्सरसाइज भी हुई हैं। क्या हुई है? कुछ पैसेज एक्सरसाइज भी हुई हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया के साथ अरेबियन सी में, यूएस के साथ इंडियन ओशन रीजन में, बहरेन के साथ अल मुहरका इन पर्शियन गल्फ में, रशिया के साथ इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो ये कुछ पैसेज एक्सरसाइज हैं जो आपको याद रखनी है। पैसेज एक्सरसाइज हम काफ़ी सारे देशों के साथ करते हैं, हम जापान के साथ करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, हम यूएस के साथ करते हैं, हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, हम रशिया के साथ करते हैं। पैसेज एक्सरसाइज हम बहुत सारे देशों के साथ करते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये 2021 की एक्सरसाइज हैं जो आपको याद कर लेनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक्सरसाइज से आपको एक सवाल देखने के लिए जरूर मिलता है। ठीक है, चलो फटाफट अपने अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। अगला सवाल एक स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे में क्या मुद्रा चलती है? सॉरी, पहले बता दीजिए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। ठीक है, उसके बाद जो डाउट होंगे, मैनमाती मैत्री एक्सरसाइज, मैनमाती मैत्री एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है। ठीक है, कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे हरारे। ठीक है, क्या है कैपिटल? हरारे। साउथ अफ्रीकन कंट्री है, करेंसी यहां चलती है डॉलर। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक? मैंने आपको अभी बताया था बंधन बैंक का मुख्यालय कहां है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां है, जरा मुझे यह बता दीजिए। बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, चलो, सीईओ चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष साहब फाउंडर भी हैं बंधन बैंक के, याद रखिएगा। चलो, विच कंट्री विल हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर टू इंडिया इन जुलाई 2021? तो देखिए, 24 हेलीकॉप्टर का एग्रीमेंट हुआ है, इनमें से 3 हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो हमें जुलाई में मिलने वाली है, किस देश से? बताओ जरा कौन सा देश दे रहा है हमें? 24 में से 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो है वो हमें दे रहा है यूएसए। ये एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप साहब के साथ में। बहुत ही हैंडसम हेलीकॉप्टर है, मैं बोलूँगी, मतलब बहुत ही ऐसा हेलीकॉप्टर कि देख के आपको ऐसा लगे कि क्या बात है। ठीक है, तो 24 का एग्रीमेंट हुआ था, ये है क्या MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। अगर हम यूएस की बात करें तो देखिए, यूएस नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट साहब हैं जो बाइडन। एरिया वाइज इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि चाइना इतने सारे एरिया कैप्चर करता रहता है ना, तो थोड़ा चाइना को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि यूएस ज़्यादा बड़ा है या फिर चाइना। ठीक है, तो थर्ड या फोर्थ नंबर पर है एरिया, वैसे थर्ड नंबर माना जाता है। इसको आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। और ध्यान रखिएगा, अभी तो अगर आप मैप देखेंगे यूएस का ना, तो 50 स्टेट ही हैं, बट 51st स्टेट का यहाँ जो बिल है वो पास हो गया है, और इसका 51st स्टेट बनेगा वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वैसे ज्ञानराज साहू आपको अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 2.4 बिलियन USD का एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2.4 बिलियन USD। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। वॉशिंगटन डीसी यहाँ का सबसे लेटेस्ट स्टेट बनने वाला है। इससे पहले जब स्टेट बना था ना यूएस में, तो 1959 में बना था। ठीक है मेरी बात गाइस? जो भी डाउट है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। आ जाओ, आज का आखिरी सवाल देखते हैं।
विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड भारत रत्ना एंड पद्मा लाइक अवार्ड इन देयर स्टेट, किस राज्य ने अपने राज्य में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे अवार्ड कैटेगरी देने की बात की है? ठीक है, ये राज है कौन सा? ये राज है असम। असम ने बोला है कि भैया जैसे तुम सेंटर में अवार्ड देते हो ना भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वैसे ही हम असम में देंगे। तो चलिए देखते हैं, असम सरकार यानी कि हिमंत बिश्वा शर्मा, इन्होंने बोला है कि हम असम रत्ना अवार्ड देंगे हर साल एक इंसान को, हम असम विभूषण अवार्ड देंगे हर साल तीन लोगों को, हम असम भूषण अवार्ड देंगे हर साल पांच लोगों को, और हम असम श्री अवार्ड देंगे हर साल दस लोगों को। ठीक है, अब जरा आप लोग के डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ, परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को सबसे पहले यही पॉइंट दिखा देती हूँ। चलिए, असम में अब टोटल 7 नेशनल पार्क होंगे। 6th नेशनल पार्क हमने पढ़ा था रायमोना, और दिहिंग पताकी जो है ये 7th नेशनल पार्क बन गया है, कहाँ का? असम का। ठीक है, अब यहां 7 नेशनल पार्क होंगे, एक बिल कल पास हुआ है। तो अगर हम देश में बात करें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाले राज्यों की, तो उसमें असम तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे 12, फिर उसके बाद मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार में जो यूटी है 9, और असम में हो गए हैं 7। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा, अब हम अगर असम की कुछ फटाफट स्कीम्स देख लें, तो असम ने दीनदयाल दिव्य गंजन सहाय स्कीम लॉन्च किया था, जहां जो पर्सन डिसेबिलिटी से हैं उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद असम ने मुख्यमंत्री कृषि सा सजुली योजना शुरू की थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, असम ने उरुंदोई स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें 830 रुपये देने की बात की गई थी। ठीक है, चलो, तो यहाँ कुछ पॉइंट हो गया। अब यहाँ हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है। अब जरा हम फोक डांस अपने स्टैटिक पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक पॉइंट में हम आज चलेंगे हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य हमारा, बहुत खूबसूरत, और यहाँ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले डांगी, छम डांस, नाती, दंडरस, लहुली, थोड़ा, माला डांस, डेमन यानी राक्षस डांस, और दल सोनबे एंड चोलांबा। ठीक है, माला डांस माय फेवरेट। ओके, ठीक है, ओके गाइस, तो ये थे फोक डांस कहाँ के, ये हैं फोक डांस हिमाचल प्रदेश के, एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहुली, बिल्कुल बिल्कुल, बिजली ये हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक, अब गाइस जो जो डाउट थे ना आप लोगों के, वो आप पूछ लीजिए, अब मैं आपके डाउट्स के सारे आंसर दूंगी। तब तक हम होमवर्क देख लेते हैं। ठीक है, डैश बिलेनियर इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू स्पेस इन जुलाई 2021। 20 जुलाई को एक बिलेनियर साहब हैं जो जा रहे हैं कहाँ, जो जा रहे हैं स्पेस में। आपको मुझे उनका नाम बताना है। ओके अल्पेश, आप अभी आए, क्लास खत्म होने वाली है, मुझे पता है। ठीक है, हु हैज बिकम द सेकेंड हाइएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर, दूसरे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल स्कोरर यानी फुटबॉल में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं, पहले पर कौन है? नहीं आरोही, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर जो जो है ना, लाहौल स्पीति आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आज का होमवर्क है जिसका आंसर आपको आफ्टर सेशन करना है। गाइस, होमवर्क डेफिनेटली किया करिए, अगर आप 5 मिनट नहीं भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट डेली पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कौन से बच्चे आंसर कर रहे हैं, कौन से बच्चे होमवर्क से भाग रहे हैं, तो होमवर्क डेली किया करिए। ठीक है,
बाय बाय गाइस। ठीक है चलो, किसी का कोई डाउट, देखिए गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कोई डाउट रह जाए तो उसको सेशन के एंड में पूछिए ताकि मैं उसका आंसर आपको ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। रोनाल्डो के कितने गोल हैं? काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। रोनाल्डो के 103 हैं, 106 हैं, इसका आंसर मैं आपको कल करूँगी। ठीक, डन है, क्लियर है, बढ़िया है। शुभम, आज हिस्ट्री की क्लास है, एब्सोल्युटली आज हिस्ट्री की क्लास है, और आज की हिस्ट्री क्लास जो होगी उसमें हम मौर्यन डायनेस्टी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है तो गाइस अब हम नेक्स्ट मिलेंगे शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे होगी हमारी हिस्ट्री क्लास, और हिस्ट्री क्लास में हम करने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी के क्वेश्चंस। ठीक है चलो, तो जितने हिस्ट्री क्लास में नहीं पहुंचते ना, बहुत पिटाई होगी, घर पर आकर पिटाई करके जाऊंगी मैं। सारे हिस्ट्री क्लास में पहुंचेंगे जितने भी एसएससी या इस टाइप के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर, जो बैंकिंग की कर रहे हैं वो नहीं पहुंचेंगे, चलेगा, बट जो बैंकिंग के अलावा बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हिस्ट्री की क्लास में डेफिनेटली पहुँचा करिए। ठीक है तो सेशन को मैं यहीं रैप अप करती हूँ, PDF आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप एम्बिशियस बाबा की साइट पर जाकर ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ये मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड जय हिंद।